हाय, मैं हूँ विनोद यादव। वेलकम बैक टू चैनल। और सबसे जरूरी बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोशिश एक अच्छा इंसान बनने की और कोशिश बहुत सारा पैसे कमाने की। तो दोस्तों, आपने थंबनेल देख के पहचान लिया होगा कि किस टॉपिक पे वीडियो है। तो देखिए, मैं जब भी कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में जब भी बोलता हूँ, मेरे सब लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर, देखिए, कास्टिंग डायरेक्टर में कुछ अच्छे लोग भी हैं और कुछ खराब लोग भी हैं। लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो बहुत ही कम है, लेकिन जो खराब लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा है और बहुत ज्यादा गलत काम कर रहे हैं। तो मेरे पहले के वीडियो देख के आपको पता ही चल जाएगा तो कास्टिंग डायरेक्टर क्या क्या गलत काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, उनको तो मैं बाद में सोचा कि गलत काम क्यों करें, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है क्या? क्योंकि जो कास्टिंग डायरेक्टर जो गलत काम कर, उन्हें पता है कि प्रोडक्शन वाले को कुछ लेना देना तो है ही नहीं, डायरेक्टर को कुछ लेना देना है नहीं। हम जो प्रोफाइल भेजते हैं वो लोग देखते हैं, हमारी मर्जी हम किसी को भेजें। देखिए कैसा होता है, जो कुछ लोग बन गए ना एक्टर, जो जाने पहचाने चेहरे बन गए हैं कुछ, तो ये उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन जो नए एक्टर आते हैं ये उनका बहुत कुछ बिगाड़ लेते हैं। और जो कास्टिंग, जितने भी ये गलत फेक कास्टिंग डायरेक्टर बैठे हैं, यानी कास्टिंग डायरेक्टर बोले यानी या इन्हें चोर एक्टर बोलिए, ये सब एक ही हैं, शॉर्टकट मारने के लिए कास्टिंग में बैठे हुए। 99% किसी को भी कास्टिंग नहीं करनी है, सीधी सी बात है। क्योंकि जो ओनर है वही गलत काम कर रहा है, तो उसके नीचे बैठे लोग गलत काम तो करेंगे, सीधी सी बात ये है। तो और उनको ये भी पता है कि जितने भी एक्टर आते हैं, आदमी मैं देखा 99 और 95% ज्यादा बेवकूफ लोग हैं जो भी एक्टर हैं बनने आते हैं मुंबई में। और उसमें से कुछ लोग हैं उनमें ये नहीं है, बोलते ना एकजुट, एकजुट है नहीं है। हम चाहे किसी को प्रोफाइल भेजे कुछ भी, हमारा कौन क्या कर लेगा? ना प्रोडक्शन वाला हमारा कुछ कर सकता है, ना डायरेक्टर हमारा कुछ कर सकता है, क्योंकि वो लोग खुद काम हमें देते हैं, दे देते हैं, और उसके बाद फिर हम जो भेजते हैं वो लोग देखते हैं। तो पूरा पावर हमारे पास है। और कहते हैं कि अगर किसी गलत इंसान के हाथ में अगर आप पावर दे देते तो गलत काम ही करेगा। तो ये सब बैठ के गलत काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब कास्टिंग डायरेक्टर में सब गलत ही लोग बैठे हुए हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन गलत लोग बहुत ज्यादा है। तो देखिए, जितने में हम सब एक्टर लोग हैं और जो हमारे सीनियर एक्टर हैं, उन सबको बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ साथ में मिलिए और इन्हें, इनके ऊपर कंप्लेंट, FIR रजिस्टर कीजिए, तभी ये लोग सुधरेंगे, नहीं तो ये सुधरेंगे नहीं। आप वहाँ पर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो एक्टर आने वाले हैं, ये हमेशा उनको, हमें लूट रहे हैं, हम गलत काम कर रहे हैं। आगे जो पीढ़ी एक्टर आने वाले नए, उनके साथ भी ये गलत काम करते रहेंगे, सुधरने वाले नहीं है जब तक अगर इन लोगों को जेल में न डाला जाए। तो अगर बहुत सारे एक्टर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत जगह तक फैलाइए, उन्हें बताइए कि किस प्रकार से लूटते हैं ये लोग गलत काम करके। प्लस अभी तो वर्कशॉप चालू कर दिया है, उस वर्कशॉप से भी लूट रहे हैं ये लोग। तो और ये एक्टर्स ये आपको सिखाएंगे एक्टिंग करना, जो खुद चोरी से अपना प्रोफाइल घुसा रहे हैं। तो जब तक इन लोगों को जेल में ना डाला जाए तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं है, सीधी सी बात है। कहते हैं ना भगवद गीता में लिखा हुआ है, सत्य के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। तो जितने भी एक्टर मेरे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज इसे शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे लोगों के पास पहुंचाइए, डायरेक्टर के पास पहुंचाइए, प्रोडक्शन वालों के पास पहुंचाइए, उनको बोले कि ये लोग ऐसे ऐसे गलत काम कर रहे हैं। और सब लोग, और कोशिश करें सब लोग मिलकर इनके ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, तब इन्हें पता चलेगा कि क्या होता है। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।